हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी के बारे में, गौतम अडानी के अंदर जो स्कैम्स हो रहे हैं उनके बारे में। Let's now shift our focus to India. Adani Power, one of the firms backed by Gautam Adani, has given up on plans to acquire DB Power. Welcome back. Adani Group stocks fall in trade today after Reuters highlights details from an Hindenburg research report on the group. Accusations of stock manipulation, accounting fraud against the Adani Group conglomerate by short seller Hindenburg Research, now leading to a lot of questions about the credibility of India's marketing. गौतम अडानी का जो जन्म है 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। उनकी जो पढ़ाई लिखाई वो अहमदाबाद गुजरात में ही हुई है और उसके बाद उन्होंने एज ए डायमंड ब्रोकर के रूप में उन्होंने अहमदाबाद गुजरात से हट मुंबई में आके काम किया और डायमंड ब्रोकर के रूप में उन्होंने काम किया। अडानी ग्रुप बहुत से बिजनेस में काम करता है, जैसे अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर, अडानी एंटरप्राइजेस, NDTV में भी उसके शेयर्स हैं और अडानी विल्मा में भी है। तो बहुत से बिजनेस में डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। तो अडानी का जो बिज़नेस है वो हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यूएशन है लगातार डिमिनिश हो गई है और बहुत ज़्यादा इनका 50-60% इनके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यूएशन घटी हुई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनके जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें मैनिपुलेशन की जा रही है और डेटा फॉर्जरी की जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग इनके स्टॉक्स मैनिपुलेट किया जाता है और इनके स्टॉक्स को हायर प्राइस पर दिखाया जा रहा है। वी आर शॉक्ड दैट हिंडनबर्ग रिसर्च हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑन जनवरी 24, 2023 विदाउट मेकिंग एनी अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट अस और वेरीफाई द फैक्चुअल मैट्रिक्स। The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malafide intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise. The biggest FPO by a private sector company in India. ऐसे में हमें ध्यान लगाने की जरूरत है कि हमें कौन सा अप्रोच रखना चाहिए ताकि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा ग्रो करता जाए और हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी रुकावट ना आए जिससे पोर्टफोलियो हमारा डाउन जाए। बिकॉज ऐसे उतार चढ़ाव निरंतर रूप पे आते रहते हैं और ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो मैनिपुलेट होते हैं, मैनिपुलेशन के द्वारा, ऑपरेटर द्वारा मैनिपुलेशन की जाती है, शेयर्स की वैल्यू को ऊपर दिखाया जाता है, फिर शेयर्स जब कोई एक एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, तो फिर इसके बाद सभी शेयर्स की वैल्यू एकदम धड़ाम से गिर जाती है। तो हमें इसमें क्या एक अप्रोच लेना चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर को, जिससे कि वो इस ट्रैप में फंसे नहीं। बिकॉज ये जो अगर आप बात की जाए, पिछले साल भी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था जिसकी वजह से सारे शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। जनवरी से लेके जून तक का जो महीना था 2022 में, लगातार सभी शेयर्स बहुत ज़्यादा घटे थे, जिसकी वजह से बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स में फंसे थे और उन्होंने बहुत सारा अपना माल बेचा था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए जिससे कि हमें लॉस कम से कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सिंपल सा फंडामेंटल एक ये है कि अगर जब भी आप रिटेल एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इस बात को ध्यान दें कि आप उसे लंबे समय के लिए ही इन्वेस्ट करें, आप पैनिक ना हो। डे टू डे ट्रांजेक्शन अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा पैनिक होंगे और उसमें आप एक गलत एक्शन लेंगे जिसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो है, जब भी आप इन्वेस्ट करें कंपनी को, बिज़नेस को आइडेंटिफाई करें कि कंपनी एक्चुअली में बिज़नेस करती क्या है। अगर वो बिज़नेस सस्टेनेबल बिज़नेस है और लॉन्ग टर्म में वो चलने वाला बिज़नेस है, तो आप उसमें इन्वेस्टेड रहें। उसकी वैल्यूएशन कुछ समय के लिए नीचे जा सकती है, बट ऑन ए लॉन्गर वर्जन ऑफ टाइम उस शेयर की वैल्यू जो है हमेशा ऊपर ही जाएगी। तो जब भी इसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें तो सबसे पहले ऐसी कंपनी को चयन करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो और उनका जो बिज़नेस हो सस्टेनेबल बिज़नेस हो और आने वाले फ्यूचर में उसकी ज़रूरत हो। जैसे कि आप सच जानते हैं कि EV का ज़माना है, EV के ट्रांसपोर्ट में जो भी कंपनियाँ हैं वो एक अच्छा बिज़नेस मॉडल एक खड़ा कर सकती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत सा स्कोप अभी बाकी है और इंडिया में अगर बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां बहुत कम है। जैसे अडानी ग्रीन ऑलमोस्ट सबसे बड़ी कंपनी है जो इसमें काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में,
और भी बहुत सी कंपनी हैं जिसमें जो क्या बोलते हैं ग्रीन एनर्जी में काम कर रही हैं, और ईवी सेक्टर में भी बहुत सी कंपनियाँ हैं जिसमें भी काम कर रही हैं। तो जैसे टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत अग्रेसिव रूप से ईवी के सेगमेंट में अपने आप को निखार रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि हमारा जो पोर्टफोलियो है हमेशा ग्रीन रहे, वो रेड ना हो और उसमें हमें लॉस ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि हमें पैनिक नहीं करना, डोंट गेट पैनिक। जब भी मार्केट में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो हमें कभी भी पैनिक नहीं करना, हमें उस समय कोई एक्शन नहीं लेना है। तो अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो आप सेल नहीं करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। ये सेल और परचेज ये सब आपका ही डिसीजन होता है। अगर आप परचेज करना चाहेंगे परचेज कर सकते हैं, चाहे ना चाहें तो सेल करेंगे, तो पर दोनों ही एक्शन से आपको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो हमें रिटेल एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें फ़ायदा तभी होगा जब हम किसी भी पर्टिकुलर शेयर को सस्ते दामों पर खरीदें और उसे ऊँचे दाम पर हम बेचें, तभी हमें उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, हमें पैनिक नहीं होना। जब भी कोई भी इंसिडेंट हो शेयर मार्केट में हमें सिंपली होल्ड रखना है, और रोज हमें अपने पोर्टफोलियो को देखना भी नहीं कि अगर हम रोज़ अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो हमारी जो व्याकुलता है वो बढ़ती जाएगी और हम उसमें गलत एक्शन लेंगे। बिकॉज हमें प्रॉफिट या लॉस तभी हो सकता है जब हम उसमें सेल करते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर हम सेल करेंगे तभी हमें उसमें लॉस हो सकता है, तभी उसमें हम प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है हमें इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और उस बिज़नेस को समझना है कि इस पर्टिकुलर बिज़नेस का फ्यूचर का स्कोप क्या है। अगर फ्यूचर का स्कोप उस पर्टिकुलर बिज़नेस का अच्छा है तो हमें उसमें इन्वेस्टेड रहना है। इन्वेस्टेड रहेंगे तो ऑन ए लॉन्गर वर्जन टाइम उस पर्टिकुलर शेयर की जो वैल्यूएशन है इंक्रीज होगी और हमें ऑटोमेटिकली उसमें फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात है कि जब भी हम अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें तो उसमें इक्वल इन्वेस्टमेंट हर एक पर्टिकुलर स्टॉक में रखना चाहिए। बिकॉज मान लीजिए आपके पास 20 स्टॉक हैं तो 20 के 20 स्टॉक्स में आपको कोशिश करनी है कि आपका अगर पोर्टफोलियो का डिज़ाइन 5000 का है, 5000 एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है, आप एक स्टॉक में लगाते हैं तो 5000 ही आप सभी स्टॉक्स में लगाएं। ऐसा नहीं कि किसी आप स्टॉक में आपने 15000 लगा लिया, किसी में 20000 लगा लिया, किसी में 10000 लगा लिया, किसी में 2000 लगा लिया, किसी में 1000 लगा लिया। तो एक अनबैलेंस्ड पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ऐसा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें जिसमें आप इक्वल इन्वेस्टमेंट सभी अपने स्टॉक्स में लगाएं, जिससे कि आपको विश्वास रहेगा कि अगर आपको कोई भी स्टॉक अगर नहीं चल रहा है, मान लीजिए 20 में से 2 या 3 स्टॉक अगर नहीं चल रहे तो भी आपके कुछ 15-20 स्टॉक ऐसे हैं, 15 स्टॉक ऐसे हैं, 10-12 स्टॉक ऐसे हैं जो आपके ग्रीन में हैं, तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे। स्टॉक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है एवरेजिंग। एवरेजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पर्टिकुलर किसी स्टॉक को एक ऊँचे दाम पर खरीदा है तो जैसे उसका स्टॉक का प्राइस नीचे आता था आप उसकी और यूनिट्स खरीद लेते हैं ताकि उसकी एवरेज कॉस्ट नीचे आ गई हो। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो 100 रुपये का है, उसकी आपने 10 यूनिट खरीदी है, मतलब 1000 रुपये का आपने 10 स्टॉक खरीदे। जब उसका दाम घट के 50 रुपये हो गया तो पर्टिकुलर एक स्टॉक का पर एक शेयर का दाम 50 हो गया तो आपने फिर से 10 यूनिट खरीद ली, तो 50 × 10 500, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1000 + 500 1500, और टोटल आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए 20, 10 पहले की 10 बाद की, तो 1500 / 20 = 75, तो आपकी एवरेज कॉस्ट घट के 75 हो गई। यानी कि अब आपको 75 रुपये पर जब भी आपका स्टॉक पहुंचेगा, 50 से ऊपर चढ़ के 75 तक जब भी पहुंचेगा तो आप अपने ब्रेक इवन लेवल पर पहुँच जाओगे। तो पर ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का एक कॉन्स्टेंट ये है कि आपके पास लॉस मेकिंग स्टॉक्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और आपका जो इवन बैलेंस पोर्टफोलियो वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो आपने एक पहले स्टेप में सोचा था कि हमें सभी स्टॉक्स में बराबर कंट्रीब्यूशन रखना है, सभी स्टॉक्स में बराबर इक्वल इन्वेस्टमेंट रखनी है, उस कॉन्सेप्ट को आप वॉलेट कर लेते हो, उस कॉन्सेप्ट को आप नज़रअंदाज कर देते हो और आप एक ऐसा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हो जिसमें आपकी लॉस मेकिंग स्टॉक्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और ऐसे में होता क्या है, जो आपके पास बढ़ते हुए स्टॉक्स होते हैं जिन जो अपसाइड देते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है, उनका वैल्यूएशन कम होती है उनके, और जो आपकी लॉस मेकिंग शेयर है उनकी क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके जो पॉजिटिव रिटर्न वाले स्टॉक हैं वो आपके नेगेटिव रिटर्न वाले स्टॉक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते।
ऐसे में होता क्या है कि आपके जो पॉजिटिव रिटर्न वाले स्टॉक्स हैं वो आपके नेगेटिव रिटर्न वाले स्टॉक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये सारी गड़बड़ होती है। तो आपको कोशिश करनी कि एवरेजिंग से आप दूर रहें, एवरेजिंग को उस कंसेप्ट को अपने पोर्टफोलियो में नहीं लाएं। अब एक आखिरी स्टेप ये है कि अगर आप जब भी अपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें तो उसमें ग्रोथ स्टॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि अगर आपके कोई भी पर्टिकुलर 10-15 स्टॉक्स, अगर आपने 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है उसमें से अगर आपकी 10 स्टॉक्स भी ग्रोथ को काफ़ी मोमेंटम में हैं और वो आपको 5-10 गुना रिटर्न दे रहे हैं 3-5 सालों में, तो ऑटोमेटिकली उन जो आपके पास जो और स्टॉक हैं आपके बकेट में उसको आउट परफॉर्म कर देंगे, उसकी जो कॉस्ट है उसको भी आउट परफॉर्म कर देंगे और आपको एक अच्छा खासा मुनाफा बना के देंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप अपने फॉलो कर सकते हैं ताकि आप उतार चढ़ाव से दूर रहो और जो बिना फिक्र के आप अपने काम को भी करते रहें और इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।